ಮಂಡೋವರರಿ ಬಾಡಿಯ ಒರೆ ಬಾಳ ಸಮಂದರೀತಿ ಜೋದಾಣಾರೆ ಚೋಕ ಮೇ ಖೇಲೆ ಖೇತಿ ಬೇರು ಭಟಕಾಳ ತೇಲಿಯಾ ತೋ ಸಮುದ್ರ ಭರಿಯಾತಾ जे खेतला जिनी सुमरसो बेड़ा करे गोपाल ये जी आगे रे आगे भैरू डमरू मां शक्ति रो और भैरू जमराज रो दोनों ही साथी गुणगान है आगे रे आगे भैरू डमरू बजावे ये डमरू बजावे ओ डमरू बजावे ओ अवनी भैरू जी मारे आओ मैया जी मारे आंगनी होरा जहो We'll be right back.
कष्ट निवारो आओ मैया जी मारे छोड़ने आगे रे आगे बेरू डमरू बजावे ये डमरू बजावे आओ माता जी मारे सत्संग ने बहुत ऊपर बताई है जागरण में मतलब गावना बजावना ये मतलब एक साधन है। अब जीता जना हटे बैठा कोई न कोई साधन ने रूप इन जगह पहुंचा, कोई मोटरसाइकिल आयो, कोई कार आयो, कोई गाड़ियों आयो, पर आया कोई न कोई साधन। पर साध्य याद रहना बहुत जरूरी, साध्य कहे मंजिल ने, एक साधन वे और एक मंजिल वे, जिन्हें आध्यात्मिक भाषा में एक साधन और एक साध्य कहो। अब साधन हो कि अपने सत्संग में जानो, पर साध्य कही है, साध्य याद नहीं है कि जान आन रोट जीव फा जान हो जानो, वो तो कम रोज करो जागरण नहीं जीवी घरी जीवी, पर रोट जीव तो हुआ ही जाओ। पर साध्य हो कि जावनो तो सत्संग में बैठनो, कुछ न कुछ प्राप्त करनो, भोजन तो प्रसाद रे रूप में वे, पर सत्संग में जान कीन की परमात्मा रे नाव रो प्रसाद भी लेन जावनो, ताकि आदमी रे जीवन में प्रत्यक्ष बात है कि पैसों कमानो कोई गुना नहीं है, क्योंकि चार अपरे पुरुषार्थ है, उनमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, चार पुरुषार्थ है, जिनमें दूसरे नंबर माते पैसे दियोड़ो है, क्योंकि इन कलयुग के टाइम पे बिना तो काम हालिज को नहीं, बिना पया तो एक सेकंड काम नहीं आले, पैसे बिन मात कहती पूत कपूत मेरा, पैसे बिन भाई कहता दुखदाई है, काका कहता किसका भतीजा लागे, सासु कहती किसका जवाई है, पैसे बिन पंचों में बैठन का हक नहीं, पैसे बांध लोक बाग यूं हसाई है, कहता है कभी गंग यही है, दुनिया की रंग कलियुग के समझ में पैसे की बढ़ाई है, कलियुग में पैसे की बढ़ाई है, क्योंकि पैसे बिना काम को हालिज बोल। पहला तो इतनी मिनको मान ज्यादा हूँ, हम पैर मान ज्यादा, क्यों क्या बात लोग रे हमारे टेमर में आ बात फिक्स समझ में आ गई कि पे बिनो काम हालनो नहीं, तो आ बात समझ